जी व्यूअर्स, तो हमने जेसी को पकड़ लिया था और हम अपने बेबीज़ को जो है ना फीड करवा रहे थे। कुछ बेबी जो है ना कमज़ोर हो गए थे, तो इसलिए हमने जेसी को पकड़ लिया और उनसे हमने फीड करवाई। और बच्चे माशाल्लाह देखें कैसे मज़े से अपने माँ का दूध पी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू बैक माय अदर व्लॉग्स। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं। रमज़ान है तो बहुत सुस्ती हो जाती है शूट करने में वीडियो ना, तो काफ़ी खुशखबरियां भी आई हुई है। हमारे रैबिट्स के माशाल्लाह बच्चे भी आए हुए हैं और हमने जो है ना मेल जो थे उनसे अलग कर दिए हैं। अभी चलें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने जो डक का बेबी आया था वो आपको दिखाते हैं, प्यारा क्यूट सा। फिर उसके बाद रैबिट्स के बच्चे भी आपको दिखाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे और क्यूट से। और माशाल्लाह फीड भी करवा रही है हमारी जो है जेसी है हमारी, वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल रही है। चलो व्यूवर्स, तो आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं, डक का बेबी और रैबिट्स के बेबी दिखाते हैं। चलो व्यूवर्स, ये हमने गेट खोल दिया, जैसे ये मुर्गी बाहर आ जाए तो हम बेबी को जो है ना आराम से पकड़ के आपको दिखाएं। और ये देखें माशाल्लाह प्यारा सा क्यूट सा बेबी है, माशाल्लाह देखें बहुत मुलायम है। मुझे डर लग रहा है पकड़ने में भी, इसलिए मुझे आराम से पकड़ा हुआ देखें आपको दिखा दूँ। इतना प्यारा सा है बेबी, बहुत क्यूट है, मुलायम सा है, मज़ा आ रहा है मुझे रिवर्स इसको पकड़ने में ना। और व्यूवर्स, हमारे जो रैबिट्स के मेल थे ना वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, जैसे हमारे जो बेबी आए हैं ना रैबिट्स के वो अच्छे से ग्रो करे और अच्छे से माँ उनको मदर उनकी फीड करवाए अच्छे से ना, इसलिए हमने इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और चलो अभी जो है ना कबूतरों को खोल देते हैं, फिर अंदर चलते हैं आपको रैबिट्स के बच्चे दिखाते हैं, थोड़ा ये इंजॉय करेंगे कबूतर के बच्चे। और सुबह में आया था, सुबह जो है ना वहाँ हमने स्विमिंग भी करवाई थी डक को, हमने जैसे ये खुश हो जाए डक हमारी, तो फिर मैंने थोड़ी देर पहले ही पानी निकाल के फेंक दिया। चलते हैं रैबिट्स के बच्चे देखते हैं व्यूवर्स। चलो व्यूवर्स, तो चलते हैं हम अभी अंदर और जैसे कि हम बच्चे देखते हैं। ये देखें आपको कुछ नज़र आ रहे आए होंगे, तो एक हमें नज़र आया था उसमें जो है ना हो सकता है बुरी खबर भी हो, उसकी सुबह भी तबीयत ख़राब थी एक बच्चे की। तो अभी चलते हैं व्यूवर्स, दिखाते हैं आपको। और ये केक हमने इधर कर दिया है बच्चों की वजह से, जैसे हमारे बच्चे आराम से ग्रो करें। और ये देखें व्यूवर्स, इसकी तबीयत नासाज लग रही है मुझे, ये बहुत कमज़ोर है और ये मुझे लग रहा है ये मर जाएगा, इसकी जो है ना हालत बहुत ख़राब है। और ये माशाल्लाह हेल्दी है, ये देखें ये माशाल्लाह हेल्दी है, एक्टिव है, इसको फीड सही करवाई हुई है। और इनके देखें बाल भी आना शुरू हुए हैं थोड़े बहुत जो है ना। और दूसरा ये है, ये भी एक्टिव है माशाल्लाह, ये देखें ये बस, ये भी एक्टिव है और ये भी थोड़ा कमज़ोर है, इसको फीड नहीं करवाई है माँ ने। और कुछ को फीड करवाई है, कुछ को नहीं करवाई है। ये हमारे प्यारे प्यारे रैबिट्स के बच्चे हैं माशाल्लाह, ये देखें ये हेल्दी है, देख सकते हैं आप, इसको जो है ना मदर ने इनकी फीड करवाई है और इसको भी सही से फीड नहीं करवाई है। अभी देखते हैं इसको, पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं जो है ना इनको फीड करवाने की, जो है ना इनकी ज़िंदगी बच जाए जैसे ना। और हमें बहुत अफसोस भी होता है, बहुत दुख होता है जब मर जाते हैं कोई कुछ ना, तो पहले भी हमने जो है ना कोशिश की है इनको फीड करवाने की, अभी फिर जो है ना कोशिश करते हैं फीड करवाने की इनको। व्यूअर्स, जैसे ही मैं पकड़ने लगा अपनी जेसी को ना, तो वो जो है ना अपने घर में जो है ना छुप गई थी। फिर मैं बाहर आ गया, इनको पानी देने लग गया कबूतरों को, हमने बोला ये भी एंजॉय करें, इनको पानी दें, नहाएं धोएं और अच्छे से जो है ना खुश रहें। और चलते हैं, फिर मैंने देखा वो जो है ना जैसी हमारी एक बच्चे को जो है ना फीड करवा रही थी, अभी जो है ना हटा दिया है बच्चे को, अभी फिर से कोशिश करते हैं जिसकी तबीयत नासाज है उसको फीड करवाने की।
जी वीवर्स, तो हमने जेसी को पकड़ लिया था और हम अपने बेबीज़ को जो है ना फीड करवा रहे थे। कुछ बेबी जो है ना कमज़ोर हो गए थे, तो इसलिए हमने जेसी को पकड़ लिया और उनसे हमने फीड करवाई। और बच्चे माशाल्लाह देखें कैसे मज़े से अपने माँ का दूध पी रहे हैं। वीवर्स, इन दोनों को तो फीड करवाई हुई थी उसने, और दो को हमने फीड कराई है। और ये बेबी मुझे नहीं लग रहा है जो है ना अभी बच पाएगा, क्योंकि इसकी तबीयत कल से ख़राब है और कल से फीड सही नहीं करवाई है। और बस देखते हैं अभी क्या होता है। अभी चलते हैं, अल्बिनो के बच्चे निकले हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। चलो व्यूअर्स, तो अभी चलते हैं, आपको अल्बिनो और जो है कॉकटेल के बच्चे भी दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से ना। और जो है ना इंशाल्लाह जो चेरी और शेरी है उसकी भी दवा कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना उनको बॉक्स वगैरह जो है ना लगाएंगे। अभी चलते हैं, अल्बिनो के बच्चे दिखाते हैं आपको। चलो व्यूअर्स, जो है ना माशाल्लाह दिखाते हैं आपको अल्बिनो के बच्चे, प्यारे प्यारे क्यूट से बाहर भी निकाल के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह प्यारे अल्बिनो के बच्चे, क्यूट है बहुत से। ये यहाँ रख देते हैं और निकाल के दिखाता हूँ जब तक मैं आपको। ये देखें माशाल्लाह क्यूट से बच्चे व्यूअर्स, माशाल्लाह चार बच्चे हैं, दो अंदर और भी होंगे, और ऐसे ही क्यूट से बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये देखें बड़े अच्छे से ग्रोमिंग कर रहे हैं। और ये देखें अभी कॉकटेल के भी आपको दिखाते हैं, माशाल्लाह क्यूट से बच्चे। ये देखें वाइट निकले हैं दो व्यूअर्स, दो क्रीम कॉकटेल निकले हैं, दो वाइट जिसे इनो कॉकटेल भी बोला जाता है। बहुत प्यारे से हैं, क्यूट से हैं। देखें व्यूअर्स बहुत प्यारे बच्चे निकले हमारे और अच्छे से ग्रोमिंग हो रहे हैं माशाल्लाह से ना। और माशाल्लाह हमारे ग्रीन फिशर ने भी ना अंडे दे दिए हैं। और ये जो है ना यहाँ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बस इंशाल्लाह जो है ना इसकी सेटिंग करेंगे, नए केज में डालेंगे इनको। और व्यूअर्स, ये हमने कबूतर जो है ना माशाल्लाह खोल दिए थे। चलते हैं अभी देखते हैं कुछ इनकी सूरत हाल भी, क्या सूरत है। अरे यार व्यूअर्स, यहाँ बुरी खबर ही होती है। ये देखें यहाँ भी अंडा टूटा हुआ है, वहाँ भी अंडा टूटा ही हुआ है, वहाँ भी ख़राब हो चुका है। इनके समझ में नहीं आ रहा है मुझे जो है ना व्यूअर्स, ये अंडे बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं। जब से मैंने लिए हैं ना एक अंडा, अंडे तो दे रहे हैं बच्चे नहीं निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है व्यूअर्स। कुछ आपको पता हो इनके बारे में, कबूतरों के बारे में, ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना व्यूअर्स। और व्यूअर्स दुआ करें हमारे जॉन जेसी के बच्चे जो है ना बच जाएं। एक का तो बचने का मुश्किल है, बाकी चार, दो को हमने अभी फीड भी करवाई है और दो जो है ना पहले से ही एक्टिव है, माशाल्लाह जो है ना हेल्दी हैं। बस दुआ करें हमारे अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं और जो बच्चे निकले हैं ये अच्छे से बड़े हो के हमारे जो है ना और बच्चे निकालें माशाल्लाह। जैसे हमारा यहाँ पर जो है ना और भी अच्छा बड़ा जो है ना मिनी ज़ू बन जाए तोतों का और बर्ड्स का, हमारे नए नए अच्छे अच्छे बर्ड्स आएँ। बस दुआ करें अच्छे अच्छे बर्ड्स आएँ और हमारे जॉन जेसी के बच्चे बच जाएँ ना। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ मेरे दोस्तों।